हमारा बंगला से जरूर जीतेगा, हम जरूर चेस करेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। अजान हम जीतेगा, कौन सा बड़ा प्लेयर आएगा? अजान, सकीबुल हसन आएगा, तंजीम आएगा। आरिफ भाई का क्या, पूरे बांग्लादेश में 100 करोड़ मातम चल रहा भाई, इतना स्कोर तो उनकी पुछते नहीं बना सकती। और तुम विराट कोहली की विकेट लेकर एग्रेशन दिखा रहे हो, तुम्हारी तो जिंदगी खराब कर देंगे इंडिया वाले, तुम्हारे घर में घुसकर खा देंगे तुमको इंडिया वाले। बजा दिया पकड़ के बांग्लादेश को भी। इस इंडियन साइड का क्या करना है सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, इस इंडियन टीम का करना क्या है? ट्रॉफी दे दे इनको, वैसे ही दे दो ना इनको वैसे ही ट्रॉफी। और कोई है जसप्रीत बुमराह को खेलने वाला बैट्समैन तो इस वर्ल्ड कप में मुझे निकाल के दो। और कौन है जसप्रीत बुमराह को जो खेले? और ये हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, हमको टोल मीम्स हमको देखना पड़ता है, जो इंडिया ने 130 करोड़ लोग हैं हमको टोल करते हैं। इस भाई बांग्लादेश को टेल दिया इंडिया ने, क्या दुख में आप क्या वो एप्पल पी रहे हो हैं? दुख में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो यार, जिसको सपोर्ट करो वही हार जाती है। बेटा आप वो सही बोल रहे थे, एक बंदा कमेंट करके आरिफ भाई पनौती है। भाई ये हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक लगा दी थी आरिफ भाई ने जज्बात में, बांग्लादेश जीतेगा, कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है भाई, सुकून से हमें तो बहुत सुकून मिला। इंडिया ने इतना खतरनाक मारा, वही जो प्रेडिक्शन थी 140-130 बस यही बनते हैं और वही बने। একটা ম্যাচ হারলে কখন একটা টিম হেরে যায় না, নেক্সটটা দেখা হবে কি হবে। ও বাবা রে, ও বাবা কি করব বাবা, সব পিন্টা বদলা হবে কেন বাবা। आज जो बांग्लादेश का ये हाल है, एकमात्र तमीम इकबाल के लिए ऐसा अवस्था हो रहा है। आज तमीम इकबाल जो रहता तो अच्छा बांग्लादेश कुछ कर सकता। नहीं तो बाकी जो 11 प्लेयर्स हैं, क्या इनमें एबिलिटी नहीं है? इसमें है, उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए इन लोगों का, अभी भी उस तरह का नया नया प्लेयर है, ये एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है आपका। 50 रन से मैच जीता भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत बड़ी है रन के हिसाब से जीत है, और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड है, ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं, एक दो के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है, बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वैरायटीज हैं, इसी तरह से बैटिंग में जो है वो सिचुएशन को सामने रख के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। मेरे ख्याल में विराट जितने रन भी किसी बंगाली प्लेयर ने नहीं किए, जाओ मैं चेक कर लो। शांतु ने झटके में कर लिया अपने स्ट्राइक रेट मेंटेन करके, सिंगल डबल तो कोई भी कर लेगा। जब तक साकिब आया, महमूदुल्ला आया, गेम इररिलेवेंट हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लिप्तन दास और शांतु बोझ है, वरना शाकिब को बिठा दो ना यार, शाकिब की क्या जरूरत थी। और तो ही हिरदुआ का फेलियर स्क्रीन पर, मैंने उसके आते ही प्रेडिक्ट कर दिया था, इसने कुलदीप को नहीं खेला हुआ, ये चला जाएगा। शाकिब आगे, तू सिंगल डबल लेने के लिए आया था, तेरे पे पूरी टीम चल रही है, सबसे ज्यादा मंजन तेरा चला है, तूने साथ से छोड़ भी नहीं आया तो उतरा ही नहीं अभी तक, क्योंकि बांग्लादेश में तेरे से ज्यादा विकेट किसी ने ले ली T20 वर्ल्ड कप का, जरूर है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तू है। और अगर तू ही आके डरा देगा लोगों को अपने के, वो जो बैठे हुए झंडे वंडे लेके कि यार मैं देखो मेरी कितनी मुश्किल पिच है, मुश्किल पिच पे ही तो कुलदीप यादव बहुत ब्रिलियंट भाई। सबसे पहले तो को मुबारकबाद देते हैं, जिस आज का मैच इन्होंने विन किया, तो आप कह रहे हैं पांचवा मैच जीत गया, इन्होंने छठा मैच भी जीत जाना है, ऑस्ट्रेलिया से इजीली जीत जाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देने वाली है, पर इंडिया की जिसने बॉलिंग अटैक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज विराट का बल्ला भी चल गया, रोहित शर्मा का भी चल गया, क्योंकि काफी टाइम से चौके छक्के देखने की आंखें तरसी हुई थी, पर आज जैसे विराट ने धोया इनको, रोहित शर्मा ने धोया, तो मैं कहता मजा आ गया। सबसे अच्छी जो आज मैच विनर बना तो वो है हार्दिक पांड्या। तुम कर लो नहीं, कोहली के आगे एग्रेशन दिखा लो। अबे जब कभी बाप की हिम्मत नहीं हुई कोहली को आगे एग्रेशन दिखाने की, तो तुम साले हमारे बेटे होकर दादाजी से पंगा लेने चले गए। ओ भाई तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। खैर जो आज ये मैच हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का, और जिसके ऊपर वो तंजीद हसन, पता नहीं क्या नाम है, तंजीम हसन कुछ अजीबो गरीब सा नाम है उस बंदे का, छोटी छोटी सी दाढ़ी है, और आकर अपने बाप नहीं सॉरी गलती हो गई माफी चाहते हैं भैया जी माफी चाहते हैं, दादाजी को जाकर उंगली दिखा रहा है, दादाजी को मुक्के छुके दिखा रहा है। ओ भाई तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, पहले जरा जांच पड़ताल तो कर लेता कि वो कोहली है कौन। साला देखो डिटेल में बात करते हैं, बांग्लादेश को है इंडिया ने और बड़े गंदे तरीके से पिला है, इस पिलाए को बांग्लादेश को कभी जिंदगी में भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बाप को तो हमेशा ठोकते रहते हैं। आउट हो गया बेटा, दो छक्के उसने मार दिए, कोई मसला नहीं, आउट हो गया भाई, पीछे भी टीम है कि खेले बांग्लादेश जीतेगा, बांग्लादेश जीतेगा, कम ऑन कम ऑन भाई, देखते क्या होता है, जब इंडिया मैच जीत गया फिर इसके चमाटे देख लेना कैसे का, और भाई साहब हम जरूर जीतेगा, अभी देखते हैं कौन जीतेगा भाई। इंडिया ने भाई 196 बना दिया है, आरिफ भाई का मुंह उतर गया, आरिफ भाई का क्या, पूरे बांग्लादेश में 100 करोड़ मातम चल रहा भाई, इतना स्कोर तो उनकी पुछते नहीं बना सकती, इतना स्कोर बना दिया इंडिया ने, बहुत ज्यादा बना दिया आरिफ भाई, इधर आरिफ भाई। और भाई साहब देखो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा बांग्लादेश जरूर जीतेगा, हम जरूर चेस करेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, भाई साहब हम जीतेगा, कौन सा बड़ा प्लेयर आएगा, भाईजान सकीबुल हसन आएगा, तंजीम आएगा, तुम देखना भाई साहब हम लोग पूरा करेगा, भाई साहब हम आपको बता देगा, भाई साहब हम जीतेगा बंगाली। यार कम से कम जसप्रीत बुमराह को तो खेलो, और नहीं खेल पा रहा बुमराह को कोई, वो कभी 4 ओवरों में 9 रन देता है, कभी वो 4 ओवरों में 7 रन दे रहा है, कभी वो 4 ओवरों में 13 रन दे रहा है, वो शहीन अफरीदी लंगड़ा किधर गया है, और लंगड़ा शहीन अफरीदी किधर गया है, जो बकवास करता है बैठ के नंबर 1 तो मैं हूं,
नंबर वन तो मैं हूं, नंबर वन तो मैं हूं। ओ घंटे का तू नंबर वन नहीं है, तू एल है मेरा, एल तू एल है मेरा, तू नंबर वन नहीं है, तू तो घंटा है, तू तो घंटा है। और तेरा काम है बजना, तेरा काम है बजना, तू सिर्फ घंटा है और घंटे बजते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो कुछ पाकिस्तानी 2% के घंटे हैं, जिनको घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता, जिनको मले में कोई रास्ता नहीं बताता, वो जरा ये देखे हाँ, इंडिया सेमीफाइनल में चला गया, इंडिया जैसी टीम का मुकाबला करने गया था, यह मेरा गोलू, यह मेरा गोलू, यह मेरा घंटा इंडिया को हराने गया था, उन्होंने वलेटा डाल के वैसे ही वापस भेज दिया। ओ भाई तुमने किसी और को गुली की होती समझ में आता, वो विराट बाप है हमारा, बाप है हमारा, तुमने हमारे बाप की बेइज्जती की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, साला हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, हमी ने तुम्हें परवरिश गलत दी होगी। सालो तुम लोग को कितनी बार बताऊं कि हिंदुस्तान के सामने जब जाते हो अपनी अग्रेशन अपना एटीट्यूड जो है जमीन में गाड़ के जाया करो, उनके सामने कुछ नहीं चलता। याद है आज से 8 साल पहले वो मुशफिकुर रहीम तुम्हारा है ठीक ना सा 3.5 फुट का, ये जो है आकर वो अग्रेशन दिखा रहा था कि ये महिंदर सिंह धोनी ने उसका काम तमाम कर दिया था, धोनी ने उसको बोला कि जा बेटा पहले जाकर अपना काम कर ले, अपने कर ले उसके बाद जो है ये हरकतें करियो, और आज ये 8 साल बाद वही सेम हरकत वो ठीक ना सा 4.5 फुट का वो बॉलर जो है इनका वो आके यहाँ पर विराट कोहली को। और कप्तानी इसलिए आसान रोहित शर्मा के लिए हो गई है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बेनता है, ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से फिर मोमेंट के हिसाब से वो चेंजेस करते हैं, कुछ पहले से स्क्रिप्टेड कप्तानी नहीं उनको करनी पड़ रही है। बांग्लादेश जो था उनके पास मौके थे, मगर 180 से जब स्कोर ज्यादा हो गया तो फिर मुकाबला हाथ से निकल ही गया, इसलिए कि इस बॉलिंग अटैक के सामने 180 प्लस करना बड़ा मुश्किल काम है। और बैटिंग थोड़ी सी लटक ही रही है बांग्लादेश की, बांग्लादेश के भी स्टार्ट्स मिलते हैं मगर उसको फिर वो मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं बनती है। शांतो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली मगर मैच फिनिश नहीं किया जैसे वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे। इसी तरह से जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स किया, कोई डायरेक्शन लेस एक तरह से सारी सिचुएशन होगी क्योंकि क्वालिटी उस हिसाब से कम थी जिस हिसाब से यू नो ऑपोजिशन के खिलाफ चाहिए थी या सिचुएशन डिमांड कर रही थी। सो अब बांग्लादेश के लिए आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, 2 मैच हार गए हैं, इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में उसने एक जगह 100 भी मार दिया था ना, अकेले लड़ाई की थी शायद साउथ अफ्रीका से, सारे नाकारा थे और क्या पेस अटैक था, जेराल्ड कूट से बहुत बॉलिंग अराउंड 148-150 यार। तो ये बात है कि ये शाकिब इससे पहले क्यों आएगा, ये शांतु कप्तान बना तो ये अब 40 गेंदे खेलेगा, अबे तू 196 रन, अब जरा इनकी भी बात करें ना, इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग तो बहुत हो गई, अबे तू 40 गेंदे खेल रहा है, 196 रन तू चेस करने जा रहा है, तेरा स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए, आउट हो जाएगा। अबे हर जगह ही खलीफा वाला, हर जगह ही ये फसाद भरे में यार, हम तो समझते हैं कि हमारी क्रिकेट में भरे में, हर जगह ही छह साले छप्पे रहती हैं, उसको अभी बैटिंग करनी और लिप्टन की शुरू की बताई थी शोएब में बैठे बैठे 18 कितनी 8-9 बॉलों पे 2 रन है तेरे, फिर तूने उठा के एक ओवर में थोड़ी सी पिटाई कर दी फिर तो आउट होके चला गया, अबे तो तू ये आउट पहले हो जाता तू 2 रन 2 बॉलों पे बना के तीसरी पे आउट हो जाता। दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कल T20 का मैच था जिसमें इंडिया ने ये मैच 50 रन से जीत लिया है। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 196 का स्कोर किया था 5 विकेट के ऊपर, उसके जवाब में बांग्लादेश 140 रन के ऊपर ही सिमट गई 20 ओवर के अंदर और इंडिया सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गया है। इसी के साथ ये मैच भी बड़ी ही जबरदस्त तरीके से जीता है इंडिया ने। इंडिया की अगर बैटिंग की बात करें तो भाई टॉप ऑर्डर थे उसके अंदर जो रोहित शर्मा ने 23 रन बनाए थे, विराट कोहली 37 और ऋषभ पंत ने 36 बनाए थे, उसके बाद शिवम दुबे ने 34 और इस मैच में सबसे ज्यादा रन हार्दिक पांड्या ने बनाए थे 50 रन 27 बॉलों के ऊपर जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। दोस्तों वहीं इंडिया की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो इसमें जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं, हर्षदीप सिंह ने 2 विकेट लिए हैं और कुलदीप यादव ने जबरदस्त 3 विकेट लिए हैं। वहीं बांग्लादेश टीम की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर उनका एक नजमुल हुसैन का एक 40 रन का स्कोर है, सबसे ज़्यादा उन्होंने रन बनाए थे, बाकी रिशाद हुसैन 24 रन बनाए थे। मतलब टॉप ऑर्डर में 3 बैट्समैन चले थे, लिटन दास 13 रन बनाए थे और तंजीद हसन ने 29 और उसके बाद 40 का स्कोर किया, तो उसके बाद टीम जो है कुछ स्कोर कर नहीं पाई और 140 रन के ऊपर ही टीम जो बांग्लादेश सिमट गई। वहीं भाई मैच के अंदर शाकिब ने जो है विराट की जो विकेट ली थी उसके बाद थोड़ा सा एक मोमेंट आया था कि भाई उन्होंने अग्रेशन दिखाया था इंडिया की तरफ, मतलब विराट को आंखें दिखाई थी आप कह सकते हैं, तंजीम साकिब जिन्होंने विराट की विकेट ली थी, तो भाई ये मोमेंट बड़ा ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक उनको ऐसा जवाब दिया है टीम इंडिया ने कि वो शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। तो भाई टीम इंडिया को अगर हल्के में ले रहे थे बांग्लादेशी तो उनको पता चल गया उनके औकात क्या है, तो और सबसे बढ़िया थे पाकिस्तानियों से पूछ सकते हैं कि इंडिया कैसे कूटता है और कैसे उनकी औकात दिखाता है। तो दोस्तों ये मैच इंडिया ने जीत लिया है, अब सेमीफाइनल में देखते हैं क्या कुछ होता है। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।